हाँ दोस्तों, नंबर का फर्स्ट पार्ट आपने देखा, सेकंड पार्ट में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, जैसे रेलवे स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में, या और भी जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं उनमें नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक दो जरूर आते हैं। तो हम एक तो उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे, आए देखते हैं। ठीक है, टू इंटू टू इंटू टू, तो उसको क्या लिख सकते हैं, टू पावर थ्री, मतलब टू कितनी बार आया, थ्री, तो थ्री पावर। तो ये देखो, टू को हम बेस बोलते हैं और थ्री को पावर बोलते हैं, मतलब किसी नंबर का जितना पावर होता है वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। कैसे, थ्री पावर फाइव, मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सॉरी थ्री इंटू थ्री, मतलब जितना पावर होगा वह नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जब क्वेश्चंस कभी कभी आता है कि मल्टीप्लाई किया जाए बहुत नंबर्स, तो उनका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चंस, फाइंड द नंबर इन यूनिट प्लेस प्लेस इन वन टू टू टेन पावर ट्वेंटी, मतलब कि 122 का 20 स्क्वायर किया जाए, मतलब 122 को 20 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उनके वंस प्लेस पे क्या नंबर आएगा। देखिए, वंस प्लेस है ना, जो हमने बीवी की बुक है वहाँ वंस प्लेस, लेकिन और जगह उसको यूनिट प्लेस ही बोलते हैं, यूनिट प्लेस या फर्स्ट प्लेस, तो कोई नंबर होता है फर्स्ट प्लेस तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। वो क्या, अब देखिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने लगे तो शायद 10-20 पेज लग जाएंगे है ना, और फिर लंबा कितना लंबा हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे अपनी लंबा लगने की जरूरत नहीं, बहुत छोटे से सेकेंडों में इसका आंसर आप दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। पहले कुछ रूल्स बता रहे हैं, उस रूल्स को जान लें फिर आप आसानी से इनको निकाल पाएंगे। अब देखिए, रूल्स बता रहे हैं, बाद में पहले इनको एक नज़र देख लीजिए। जैसे क्या, टू पावर वन क्या होगा, टू का टू इंटू टू, अब टू पावर टू मतलब टू टू जा फोर, टू पावर थ्री एट, टू पावर फोर सिक्सटीन, मतलब टू को फोर बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, सिक्सटीन। इस तरह टू पावर फाइव 32, टू पावर सिक्स 64, टू पावर सेवन 128, टू पावर एट 256, फिर टू पावर नाइन 512, टू पावर टेन 1024, टू पावर एलेवन 2048, टू पावर ट्वेल्व 4096। देखिए, आप जब इन्हें इतना में लिखे तो कुछ आपको दिख रहा होगा। देखिए, यूनिट प्लेस, देखिए यहाँ क्या, टू का पावर करते यूनिट प्लस टू आता है, टू का पावर टू करते फोर का यूनिट प्लस टू आया, तो यहाँ देखिए सिक्स आया, यहाँ भी देखिए सिक्स आया, यहाँ भी देखिए सिक्स आ रहा है, मतलब टू पावर एट कर रहे हैं तो सिक्स सिक्स आता जा रहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर टू का पावर अगर फोर का मल्टीपल्स होगा, टू का मल्टीपल्स होगा मतलब फोर का, सॉरी फोर का मल्टीपल्स होगा तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, हमेशा सिक्स होगा। मतलब कहने पर टू पावर हम कितना करते हैं, फोर का मल्टीपल्स कुछ भी करें, जैसे 48 तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, सिक्स आएगा। क्या, टू पावर 48, मतलब टू को अगर 48 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे क्या आएगा,
सिक्स आएगा। और क्या आएगा उससे मतलब नहीं, सिर्फ हमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, वंस प्लेस पे क्या आएगा, इकाई पे क्या आएगा, इकाई स्थान पे क्या आएगा, हमको ये देखना। तो देखिए ये तो हमने ये बताया, इसका रूल्स पूरा बता दे सभी नंबर्स के लिए, ये बहुत आसान है। सिर्फ हमको ये देखना इसका वंस प्लेस क्या है, ये इधर क्या नंबर उससे कोई मतलब नहीं है। देखें जैसे वन, जैसे वन है तो वन का चाहे जितना पावर करें वो हमेशा वन ही होगा। मीन्स यहाँ अगर वन हो वन यूनिट प्लेस पे तो इनका पावर कुछ भी हो उसका यूनिट प्लेस पे वन ही रहेगा। टू, टू का भी हमें बताया क्या, फोर पावर यन इक्वल टू सिक्स, मतलब कि फोर का टू पावर फोर का मल्टीपल से आएगा तो सिक्स ही आएगा। थ्री, फोर यन इक्वल टू वन, फोर टू यन सिक्स, फाइव यन फाइव एन फाइव, सिक्स यन सिक्स, सेवन सिक्स फोर यन इक्वल टू वन, एट फोर यन इक्वल टू सिक्स, नाइन टू यन इक्वल टू वन, बस इतना है। जीरो, देखिए जीरो होगा, जीरो का पावर चाहे जितना करेंगे वो जीरो ही होगा। अब देखिए इसमें हम जो हमने लिखा है इसमें आप कुछ दिख रहा होगा, आप ध्यान देंगे तो देखिए आप देख रहे होंगे ये जो भी यूनिट प्लेस है इसमें यदि वन आ रहा, देखिए इसमें वन है सिक्स है, वन है सिक्स है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन में कौन है ये, और अगर इनको निकाल दिया जाए, इन तीनों को निकाल दिया जाए तो सभी के यूनिट प्लेस पे हमने क्या दिखाया, वन और सिक्स। इसके बाद और ध्यान से देखेंगे तो वन और सिक्स कहाँ कहाँ है, जहाँ ये नंबर्स देखेंगे ये ऑड है तो वन है और इवन है तो सिक्स है। तो इस तरह से हम रूल बना सकते हैं, क्या इसको याद रखें अभी, ऑड आठ, आठ में क्या वन का पावर वन, थ्री पावर फोर वन, सेवन पावर फोर यन इक्वल टू वन, एंड नाइन पावर टू यन इक्वल टू वन। इसी तरह इवन, इवन क्या होगा टू पावर फोर यन इक्वल टू सिक्स, फिर फोर पावर टू यन इक्वल टू सिक्स, एट पावर फोर यन इक्वल टू सिक्स। ये देखिए अब देखिए आर्ट में है ये इवन में है, मतलब आठ का पावर, आठ का पावर कम है तो वन है, जैसे वन का पावर वन ही होगा, थ्री का पावर फोर टाइम्स के मल्टीपल से वन होगा, सेवन का पावर फोर मल्टीपल से रहेगा तो वन होगा, और नाइन देखिए ऐसे आप कहेंगे सर फोर है यहाँ टू आ गया, तो देखो ऐसे याद रखें नाइन का पावर टू क्या होता 81 हो जाता है ना, तो ऐसे ही आ रहा है कि 81 टू में नहीं आ जा रहा। इसी तरह यहाँ देखिए 2 पावर 4 है तो ठीक है, 2 पावर अब 4 पावर यान कैसे, तो 4 का स्क्वायर में जाता है 16, ऐसे याद रखिए 2 पावर 16 ही आ जाता है, और यहाँ 2 पावर मतलब दोनों में एक्सेप्शन क्या 9 और 2 में, और 8 का पावर 4 का मल्टीपल्स रहेगा 6। एक्सेप्शन में कौन कौन है, एक्सेप्शन में हमारा है कि 5 पावर यान 5 होगा और 6 पावर यान इक्वल टू 6, मतलब कोई भी नंबर से जैसे वंस प्लेस पे यहाँ 5 रहेगा तो उसका वंस प्लेस 5 पे आएगा, और 6 रहेगा तो उसका यूनिट प्लेस 6 से आएगा। इन दोनों को हमें कुछ भी नहीं सोचना है। आइए इसके बाद जो हमने ये क्वेश्चंस लिखा है इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, ये चीज़ याद है इतना, यहाँ से बस इतना आपको याद रखना दिमाग में ये क्वेश्चंस। इसके बाद कोई भी नंबर चाहे कितना बड़ा से बड़ा नंबर्स हो, आप कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, फाइंड द नंबर इन यूनिट प्लेस वंस प्लेस इन 122 पावर 20। ये देखिए क्या है 122 पावर 20, मतलब 2 का पावर कहने के बदले 22 का पावर 20 में यूनिट क्या जाए तो यूनिट प्लेस क्या होगा।
तो अब देखो यहाँ पता है कि 2n = 6 होता है, मतलब यूनिट पे। तो देखिए क्या 20 को हम क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 4 से कितना बचा लगेगा 5 बार। तो हम देख रहे हैं ये पूरा पूरा कट जा रहा है 4 से, मतलब कि 20 का पावर कितना पावर 2 का पावर 20, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब यूनिट प्लेस क्या होगा, यही हमारा 6 हो जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह कुछ एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे एग्जाम्पल जैसे 1, 2 मतलब 4 पावर 23 मान लीजिए। अब इसका मिड प्लेस क्या होगा, अब तो सीधा से 20 था तो कट गया था 4 से, है ना। अब लेकिन यहाँ क्या 20 था, अब देखिए क्या 23 आया, ठीक है 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, कितना बचा 3। मतलब कि ये तो जैसे क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 20 का पावर 20 × 2 पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं दो पार्ट में। तो मीन्स ये तो कितना हो गया, ये इसका मिनट कितना 6 हो गया, और 2 पावर 3 का कितना होगा, आप जानते हैं कि 2 पावर 3 कितना होता है, 2 × 4, 4 × 8 कितना 8, तो 8 × 4 = 48, 8 × 6 = 48, मतलब यहाँ यूनिट प्लेस क्या होगा 8 हो जाएगा। तो जब जैसे जो ना करे रिमाइंडर जितना आता उतना पावर फिर से इसको निकालना पड़ेगा और फिर इससे यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई, मतलब इसको अगर इसका यूनिट प्लेस मतलब 422 को अगर 23 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, बस इसके बाद कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ये और अधिक समझ में आएगा। फाइंड द नंबर इन यूनिट प्लेस इन 397 होल पावर 367, फाइंड द नंबर इन द यूनिट प्लेस इन 767 होल पावर 25 × 226 होल पावर 4 371 होल पावर 5 × 25 पावर 25। आते देखें फर्स्ट का सलूशन, फर्स्ट इसका फर्स्ट क्या है 397 होल पावर 367। अब देखिए इन 36 हो या कोई भी नंबर उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस मतलब 7 क्या देखना है, 7 का पावर 367। तो हम आपको पता है कि 7 पावर 4 n = 1 होता है, ऑड नंबर है ये 7, तो 7 का पावर 4 कितना होता है 1। अब मतलब इसका पावर 4 मतलब 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 से, कितना 4 × 9 = 36 0, अब 7 कितना 1 × 4 कितना आया, इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं 7 पावर 4 × 91 × 7 पावर 3। अब देखिए ये चीज होगा ये कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और 7 पावर 3 क्या होगा, मतलब 7 पावर 3 का मतलब 7 × 7 × 7, तो जानते हैं कि 7 × 7 = 49 हो गया, और 7 तो 9 × 7 = 63, तो मतलब क्या हो गया इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 3 हो गया, मतलब क्या 7 पावर 3 3, मतलब 3 × 3 मतलब कि इसका यूनिट प्लेस कितना होगा 3 आंसर आता है। देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये, तो क्या है देखिए इसको हम जैसे ये वंस प्लेस के अलावा कुछ भी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 पावर 27 × 6 पावर 4 × 1 पावर 5 × 5 पावर 25, सबको वंस प्लेस ही लेंगे क्योंकि वंस प्लेस से ही मतलब है, और भी कोई नंबर उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उससे कोई हमारे वंस प्लेस पर फर्क नहीं पड़ेगा।
आज देखिए 7 पावर 25, जैसा कि निकाला अभी पता आता है कि 7 पावर 4 एन कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ कितना 25, तो 25 मतलब 25 को क्या लिख सकते हैं कि 4 6 प्लस 1, 6 4 24, 24 प्लस 1 मतलब क्या होगा कि 2, मतलब इसका होता है 7 पावर 4 × 6 × 7 पावर 1, देख सकते हैं इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1 और 7, मतलब इसका मिड प्लेस कितना हो गया 7, और 6 पावर 4 है तो 6 का पता है आपको कि कुछ भी पावर हो उसका मिड प्लेस 6 होता है, और 1 का यूनिट प्लेस, 1 का पावर कुछ भी उसका मिड प्लेस 1 होता है, और 5 का 5 भी होता है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना होगा, 7 6 42, 42 में यूनिट प्लेस क्या है 2 है तो 2 ही लेंगे, 2 5 10, और 10 के यूनिट प्लेस क्या है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, मीन्स इस सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 है। ये कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये एग्जाम ये क्वेश्चन कुछ आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ये देखिए जैसे 1 + 2 + 3 = 4, 101 2 इक्वल टू क्या होगा 2 3 = 4 5, और से 14 3 = 3 का सम निकालना, 5 पावर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर क्या इवेंट का सम निकालना 104 तक, ये क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कुछ फार्मूला बताएंगे, उनसे अगर आप करते हैं तो आप 2-4 सेकंड में आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज को आप अगर ऐड करना शुरू करें जैसे इसका 2 3 4 13 और फिर लिख के ऐड करेंगे तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होगा और एग्ज़ाम में ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको हम फार्मूला बताते हैं जिससे आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए हमारा फर्स्ट रूल्स होगा द सम ऑफ फर्स्ट यन नेचुरल नंबर, क्या सम ऑफ फर्स्ट यन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, n + 1/2, क्या कि फर्स्ट यन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 101 101। अब देखिए क्या लिखा, सम ऑफ फर्स्ट यन नेचुरल नंबर, यन कितने नेचुरल नंबर है यहाँ 101 है, और ये क्या फर्स्ट होने चाहिए मतलब शुरुआत से होनी चाहिए, यहाँ से भी बीच से ले सकते हैं लेकिन वह काउंटिंग शुरुआत से होनी चाहिए, शुरुआत से मतलब ये बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो इनके लिए यन की वैल्यू क्या है यहाँ 101, अगर यहाँ से 3 से शुरू होती है तो इनकी नेचुरल नंबर की संख्या कुछ और होगी, फिर वो फार्मूला दो पार्ट में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से क्या लगेगा फर्स्ट नेचुरल नंबर शुरुआत से होनी चाहिए 1 से, तब ये फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये यन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ यन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 101, इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना 101 + 1/2 कितना हो जाएगा 101 × 102/2 डिवाइड हो जाएगा ये इससे तो 101 × 51, तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 मतलब कि यहाँ 1 से लेकर 101 तक के नंबर्स को ऐड किया जाए तो कितना आएगा 5151। इसके बाद दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई दिया है जो शुरुआत से नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ 11 + 12 + 13 + 50 तक इनका सम निकालना है, तो हमने कहा कि फर्स्ट यन नेचुरल नंबर, लेकिन फर्स्ट तो है नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन को 1 + 2 + 3 - 11 + 50, है ना, और इस पूरे में से क्या होगा जो नहीं है उसमें से माइनस कर दें, क्या
माइनस ब्रैकेट में वन प्लस टू प्लस थ्री डैश डैश प्लस टेन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर का सम, फिर इसके नेचुरल नंबर का सम को माइनस कर देंगे तो हमें 11 से लेकर 50 तक का नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं नेचुरल यन की संख्या क्या है 50, कितना आएगा 50 इंटू 50 प्लस वन बाय टू माइनस, अब देखिए इसमें कितना 10 है तो 10 इंटू 10 प्लस वन बाई टू, तो कितना आगे देखिए 2 से कट जाएगा 25 इंटू 51, ये माइनस 5 इंटू 11। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 और ये हो जाएगा 2 आया था रिमाइंडर और 25 सेल माइनस इसको देख लेंगे। अब इसको माइनस कर दें कितना आ जाएगा ये 1225। इस तरह से आप किसी भी नेचुरल नंबर का जो सीक्वेंस हो या ना हो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए सेकेंड रूल्स, सम ऑफ फर्स्ट यन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर आपको पता है इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपको पता नहीं तो पहले वाले वीडियो देख सकते हैं इसका। तो क्या होगा सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू यन स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ऐसे क्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इनका ऐड निकालना कितना। तो देखिए कितने ही फर्स्ट यन 1 2 3 4 5 कितना होगा 5 स्क्वायर तो 25। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ऐड करें तो अब इनका सम कितना आएगा 25। थर्ड लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट इवन फर्स्ट यन इवन नंबर इक्वल टू यन प्लस प्लस वन। जैसे फॉर एग्जांपल इवन नंबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। इसमें देखिए अब इनका यन कितने 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा 6 और 6 + 1 दैट इज 6 + 6 × 7 मतलब 6 × 7 = 40। मतलब इनको ऐड किया जाए कितना आ जाएगा 40। फोर्थ सम ऑफ फर्स्ट यन स्क्वायर नंबर्स क्या कि जो कोई भी जैसे ये सिंपल नंबर है इसमें क्या बताया था कि पहला रूल्स क्या था सम ऑफ फर्स्ट यन नेचुरल नंबर, वहाँ नेचुरल नंबर था, यहाँ क्या कि फर्स्ट यन स्क्वायर नंबर्स का लेना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा यन प्लस वन प्लस टू यन प्लस वन बाय सिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लें 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर और ये फर्स्ट यन मीन्स नेचुरल नंबर को ही लेना है, यहाँ किसको लेंगे नेचुरल नंबर प्लस 5 / 6 ये स्क्वायर है अब क्योंकि यन की वैल्यू क्या होगी ये कितने 1 2 3 4 5 6 तो 6 यन की 6 होते 6 × 6 + 1 and 2 × 6 + 1 / 6 कितना आ जाएगा 6 × 7 देखो 12 + 1 = 13 / 6 तो 6 कैंसिल हो गया। अब इसको 6 7 और 13 को मल्टीप्लाई कर दें
कितना आएगा 90। मतलब इनके स्क्वायर को अगर ऐड करें तो आंसर कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। फिफ्थ रोज द सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन क्यूब नंबर्स, एन एन प्लस वन क्या देखिए क्या होगा, यन एन प्लस वन बाई टू होल पावर टू, मतलब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो था क्या यन एन प्लस वन बाई टू उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस फोर क्यूब प्लस फाइव क्यूब प्लस सिक्स क्यूब प्लस सेवन क्यूब प्लस एट क्यूब प्लस नाइन क्यूब प्लस टेन क्यूब, मतलब इनको इनका क्यूब निकाल के सबको ऐड किया जाए तो वैल्यू क्या होगी, तो यन कितना है यहाँ 10 है, तो कितना हो जाएगा ये 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1 बाई 2 होल पावर टू, पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बाई 2 5 जा कितना 55 होल स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर करेंगे वही आ जाएगा 55 का स्क्वायर 25 टू 5 27 कितना आ जाएगा 2725। मतलब इनके क्यूब को अगर आप इस क्यूब को ऐड करें कितना आएगा 2725। देखिए इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। जो ये फार्मूला फार फाइव हमने दिया इसका यूज आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं, इन फार्मूला का यूज़ करके किसी टाइप इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। और फार्मूला अगर एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा, और आप कम्पिटिटिव एग्जाम चाहे जो भी हो आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस चाहे आप जो क्लास एकेडमिक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी हैं उनमें ये कुछ इस टाइप के दो टाइप के हमने क्वेश्चन बताए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं और उनको आप प्रैक्टिस में करें से जरूर आपको फ़ायदा होगा। आप हमारे वीडियो को इस तरह से ही देखते रहें और सब्सक्राइब करते, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप नए व्यूवर्स हैं फर्स्ट टाइम्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।